संसार के दुखों से जो हम तप्त हैं, संतप्त हैं, बड़े महाराज परेशान हैं, उस परेशानी में हमें एक सुख प्रदान करने वाली है, खुशी प्रदान करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है ये श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा। सजनों, भागवत की दिव्य कथा एक नई दिशा प्रदान करती है, जीवन का एक नया लक्ष्य प्रदान करती है। जो दुनिया से हार जाता है, निराशा की ओर चला जाता है, जब उसे संसार में कुछ दिखाई नहीं देता तो एक आशा की किरण बनकर के ये श्रीमद् भागवत महापुराण हमें जीना सिखाती है और हमें ये बताती है कि हे प्राणी, तू संसार के इन व्यर्थ रिश्ते नातों से घबरा करके, व्यर्थ जो संसार का नाशवान है धन, जो नाशवान धन है उससे परेशान होकर के अपने वास्तविक जीवन रूपी धन को खो रहा है, तू निराशा की ओर क्यों जा रहा है। आशा की किरण प्रदान करती है ये श्रीमद् भागवत महापुराण, हमें बताती है जीवन में कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने का ढंग सिखाती है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भागवत की कथा उस दीपक की तरह है, उस किरण की तरह है, जैसे सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे जब ये भागवत के श्लोक रूपी भाव रूपी किरण जब हमारे हृदय पर पहुंच जाती है, हृदय पटल पर पड़ती है, तो सजनों संसार के मेरे तेरे रिश्ते नाते के जिस व्यवहार से हम दुखी होकर के रो रहे होते हैं, तो ये भागवत रूपी अमृत हमें प्रसन्नता प्रदान कर देती है, आनंद प्रदान कर देती है और महाराज जीवन में हमें ये सिखा देती है। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे, वो कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे, आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। आनंद था, कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे, आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। भागवत की कथा हमें यह सिखाती है कि आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। हाँ, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता ना करेंगे, बस यही सिखाती है भागवत की कथा हमें कि हम आनंद में कैसे रहें, हम सुख में कैसे रहें। सजनों, दुनिया में चाहे कितना भी दुख हो,
लेकिन भागवत के इन श्लोकों को अगर हम हृदय में उतार लें तो ये श्लोक हमें हर दुख में सुख की अनुभूति करा सकते हैं, हर दुख में सुख प्रदान कर सकते हैं।